आपसे विनीत त्रिपाठी, आप बताओ डीसी के सभी चैप्टर्स के नाम बताइए और उनको एक्सप्लेन करिए। डीसी के डीटीपी, अकाउंटिंग, खड़े होइए, खड़े होइए, सोचो। अच्छा खड़े होइए, आप खड़े होइए, एहसास रहेगा। तोड़ो कान सर, हाँ आप बताओ, आ जाओ, पकड़ो कान, आप खड़े हो, एक्सप्लेन करिए इस चीज को। शारिक फैन मैन करना बोला, दोनों पकड़ो कान, मुस्कान सर, डीसीए में डीटीपी, अकाउंटिंग और ऑफिस पैकेज आता। ऑफिस पैकेज में चार ऑप्शन थे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। और अकाउंटिंग में टैली आती है और डीटीपी में आते हैं फोटोशॉप और पेज मेकर। बस उसके भी चार हिस्से हैं। पकड़ो कान, हरीश पकड़ो कान, गुड। आप उमरा, खड़ी हो, बस सुनने के लिए, इसीलिए हमने बैच को पढ़ना खत्म कर दिया था, तुम लोगों से बोलना खत्म कर दिया था मैंने, ओके, क्योंकि तुम सिर्फ खाली सुनते रहोगे। लास्ट स्पीकर बैठे हैं, कोई लास्ट में कन्हैया, ओके ठीक है। इट इज ऑडियो ने कहा था सॉफ्टवेयर के दो एग्जांपल क्या है, तुम सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर बैठ जाओ, हार्डवेयर के दो प्रकार बैठ जाओ, इंटरनल, इंटरनल आप बताओ, अंदरूनी हार्डवेयर के दो नाम बताइए। पंडित जी अंदरूनी हार्डवेयर के दो एग्जांपल, अंदरूनी, हाँ सीपीयू, अच्छा सीपीयू जो अंदर पार्ट्स होते हैं सीपीयू के, ठीक है, अच्छा और कोई कीबोर्ड, आपकी नजर में कीबोर्ड अंदरूनी हार्डवेयर है और सीपीयू अंदरूनी, नहीं सीपीयू सीपीयू के जो अंदर का पार्ट है सर वो अंदरूनी हार्डवेयर हुआ। कान टोड़ चुटकी से थामो खूब अच्छे से, गुड, ये भी हाथ कान से, गुड, सीपीयू का सर मैंने यही बताया, ठीक। अंदरूनी हार्डवेयर होते हैं मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, जो सीपीयू के अंदर पार्ट लगे होते हैं, वो रैम, तो वही तो पूछ रहे थे, रैम रोम जो सीपीयू के अंदर लगे हैं। ये जो कीबोर्ड है ये बाहरी हार्डवेयर है, ठीक है ना, ठीक है। ठीक है,
बैठ जाओ तो काफ़ी है, हम फिर नया प्रहार हैं, तीन चीज़ें और तीन चीज़ें कल सुनेंगे, बैठ जाओ। और तुम जानते नहीं हो तुमको मुर्गा बनाएंगे तुमको, ठीक है, अगर तुम बोलोगे नहीं। और सुनो अंदर ऐसा बोल रहे हैं, स्टार्ट करते हैं शुरू से ही फिर से। अब कितना हम चाहते हैं दिया उसका था, उसमें ऑफ फोटोशॉप पेज पिकर कोल्ड्रा इंस्टेंट आर्टिस्ट कार्ड शॉप, बल्कि तो और बढ़ गए हैं उसमें, आप चेक करना उसमें है, इसका चेक करना, चेक करना। हम आप पुराने जा रहे हैं, ये फिर से नई चीज़ है तुम लोगों के लिए, बिल्कुल नया है, बाकी जो पाठ्यक्रम के लिए पुराना है। कंप्यूटर फंडामेंटल एक चैप्टर दे रखा हुआ है पहला, हम अब अंदर घुस रहे हैं इसके, कंप्यूटर फंडामेंटल, इसकी जो पहला है कंप्यूटर की परिभाषा, तीन लाइनों में इसको लिखा हुआ है। उसके बाद में इसका ये काम करने का प्रोसेस चार्ट है, उसके बाद इसका फुल नेम है। हमें तीन बातें इसके बारे में बोल रहे हैं कि कंप्यूटर की परिभाषा होती है, कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो मनुष्य के मस्तिष्क में पैदा होने वाली हर एक समस्या का समाधान करता है। लिखा है हर एक समस्या का समाधान करता है, ऐसा नहीं है कंप्यूटर हर एक समस्या का समाधान करे। अगर हर एक समस्या की बात की जाए तो हम ये कहते हैं कंप्यूटर हमारी नानी ख़त्म हो गई उनको ज़िंदा कर दे, तो वो भी तो समस्या हुई, नानी का मर जाना भी एक समस्या है, किसी का मर जाना भी एक समस्या है, कोई भूख लगना भी एक समस्या है, टहलना या भ्रमण करना भी एक समस्या है। तो हम चाहते हैं कि आज से टहलने के लिए एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम बस करते हैं सर, घर में बेडरूम में बैठे या बटन दबाएं सीधे लखनऊ लखीमपुर या ऑफ आउट ऑफ जो है कहा कंट्री, ठीक है। अब ऐसे ही पॉसिबल, आप तो समस्या है तो हर एक सॉल्व करता है, तो एक प्रॉब्लम ये भी मैं सॉल्व कर दी जाए, तो ऐसा नहीं कंप्यूटर हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है। कंप्यूटर दूसरे शब्दों में कंप्यूटर कैसे कहते हैं जो इंसान की सभी भौतिक समस्या का समाधान करता है। तो ध्यान रखिएगा हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान सुनिएगा, हम पूछेंगे इसी अंदाज में, ठीक है। अच्छा।